करना है, मिटाने का नहीं है। आप अपन भुला के लेके आए थे आए उन्होंने बस इसको जो है ना ये लोग बैर उससे जो है कब मुतवली बन गए कब आ गए आके आके दरगाह को फूला चढ़ा ले रहे मुल्क सब चले लेकर रहे जान को भाई फूला चढ़ाने के लिए असल आए कब आके साहब उधर जा उधर जा पूरे लोगों के सामने नहीं पहचान दूंगा रोन पहले से बात करो इन वारिस से अपने पहचान दूंगा पूरों के सामने उसके बाद में हम इंडिया को शोर की वारिस काम चलता है खबरों की मिटाई भाई आप खबरों का मिटाने का क्या भाई बोर्ड में रेजोल्यूशन पास हुआ प्रोसीडिंग नहीं दिए कोई अभी तक परमिशन मिला नहीं दिए प्रोसीडिंग नहीं है हेलो काम कर रहे तो बगैर हमारे परमिशन के कोई चीज आप नहीं करना है पहले अरेस्ट करा बोलो अरेस्ट करा फेसबुक करा दलगंज के सामने जो लाइब्रेरी के सामने का कब्रिस्तान है कल रात से कुछ वीडियोस वायरल हुए थे उसके इंस्पेक्शन के लिए खासकर हमारे एक्टिविटीज सोशल एक्टिविटीज़ भी और खासकर जितने लोग मुकामी लोग और जिस जिस के खबर थे वो लोग भी उनके फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर आकर हमारे को वक्फ बोर्ड में कंप्लेन देने की जानिब से हम आए आके पूरा इंस्पेक्शन करें लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को भी बुलाए बुलाकर इमीडिएट जो ये काम करे हैं उनके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना और FIR करने के लिए हम वो कर दिए और जितने यहाँ पे खबरें जो भी तोड़े गए हैं वो सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा और सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होगी और विदाउट वक्फ बोर्ड परमिशन यही बोल के नहीं कहीं भी तेलंगाना स्टेट में अगर कोई ऐसी हरकत हो रही है आप हमारे से रुजू होइए इमीडिएट हम उनके ऊपर FIR करा सब इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि मुतवली जो है जी एक मुतवली है दूसरे उस पे आगे बने जो लेडीज है यहाँ पर अभी जो है वो बोल रहे कि दावा करके वो मुतवली इस पे आप क्या देखिए तौलियत की हद तक मुतवलीशिप की हद तक वो कोर्ट से वक्फ बोर्ड से देखा जाएगा अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम है खबरें जो तोड़ने की हमारे को जो कंप्लेन आई है उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेंगे और जो भी ये करे हरकत चाहे वो मुतवली रहने दीजिए वक्फ बोर्ड कोई भी रहने दीजिए उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे आज के बाद कोई नया जनाजा आया तो उसको यहाँ दफन करना वो हम परमिशन दे देते परमिशन लेके बात सैयद ताहिर अली ताहिर भाई ये लावारिस लाशों का ये 40 साल से यहाँ पे हमारे नईम साहब हमारे जाफर साहब हमारे मुंजी साहब हमारे कलीम साहब हमारे वक्फ बोर्ड के लोग ये परमिशन लेके आए हैं जो लावारिस वालियों को जो जा रहे थे जलाने के लिए अभी अभी किधर साइड है लावारिस मैं बताऊंगा साहब ये लावारिस वालियां ये साइड है पूरे मैं तपना हूँ रात के 2 बजे से लेके 12 बजे तक सुबह में सरकार साहब का जादर अली साहब का फोन आता है फोन आके लोग बोलते हैं ताहिर में लावारिस वालियां 4 है गांधी के उस्मानिया के वहाँ के लावारिस वालियां हैं मैं दफनाता था मेरे हाथ से ये अफजलगंज की जितनी मार्केट है पूरों को मालूम है ये मस्जिद के लिए कब्रिस्तान के लिए कोई 1 रुपया लिया हराम है ये इनके लिए अल्लाह ताला के वास्ते पूरा वो कर दिया हम 1 रुपया ले लिए मारे 40 साल से हो गया भाई 40 साल से बढ़ गया मेरे को मस्जिद से तो कब्रिस्तान से जो ये साफ जो एरिया हुआ है जी इसमें कुछ खबरें टूटे आप देखते हैं आप देखो साहब ये तो वक्फ बोर्ड से लोग जीते कब्रिस्तान